نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موزي لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وزيت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अल्लाह पाक ने इस कायनात में इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। दुनिया में इंसान के आने का मकसद, इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत है। इबादत का तरीका बताने के लिए, इबादत का तरीका समझाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने और अपने बंदों के दरमियान एक वास्ता मुकर्रर फरमाया, जिस वास्ते को नबुव्वत और रिसालत कहा जाता है। अल्लाह के अहकाम पर अमल कैसे किया जाए, अल्लाह ताला इबादत का तरीक़ा अपने पैगंबर को बताते हैं और पैगंबर अपने फरमान और अपने अमल के ज़रिए इबादत का तरीक़ा उम्मत को सिखाते और समझाते हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया नमाज पढ़ने का, नमाज कैसे पढ़ें, नमाज का तरीक़ा अल्लाह अपने नबी को बताएंगे और पैगंबर नमाज का तरीक़ा अपनी उम्मत को बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ज़कात की अदायगी का, ज़कात कैसे अदा करें, ज़कात के अहकाम अल्लाह अपने नबी को बताते हैं और पैगंबर वो अहकाम अपनी उम्मत को बताते हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया रोज़ा रखने का, कैसे रखें, अल्लाह रोज़ा रखने का तरीक़ा अपने नबी को समझाते हैं और नबी रोज़ा रखने का तरीक़ा अपनी उम्मत को सिखाते और समझाते हैं। तो अल्लाह के अहकाम पर अमल करने के लिए अल्लाह और अल्लाह के बंदों के दरमियान एक वास्ता है, जिस वास्ते को नबुव्वत और रिसालत कहा जाता है। कायनात में सबसे पहले जिस शख्स को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर दुनिया में भेजा, उस पैगंबर का नाम है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और इस कायनात में अल्लाह पाक ने जिस शख्सियत को सबसे आखिर में मबऊस फरमाया, सबसे आखिर में जिस शख्सियत ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, उनका नाम नामी इसमे गिरामी है हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को पहले अम्बिया पर जो फजीलत अता फरमाई, जो खसूसियात आपको अता फरमाई, जो खूबियाँ फ़कत आपको अता फरमाई, आपसे पहले किसी को नहीं दी, उनमें से एक खसूसियत है आपका आखिरी नबी होना। ये फ़कत आपकी खसूसियत है, अल्लाह ने बाकी किसी नबी को ये मकाम और मर्तबा अता नहीं फरमाया। चुनाचे मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फुज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तीन। अल्लाह ताला ने मुझ मोहम्मद को छः चीज़ें ऐसी अता फरमाई जो मुझसे पहले किसी को भी अता नहीं फरमाई। उनमें एक चीज़ फरमाया खुतिमा बिन नबी,
अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को आखिरी नबी बनाकर भेजा, मुझे खातमुन नबीयीन बनाकर भेजा, नबुव्वत के सिलसिले की तकमील और इंतहा अल्लाह ने मुझ पर फरमा दी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन होने का मतलब क्या है? जब हम ये कहते हैं कि हुजूर खातमुन नबीयीन हैं, अल्लाह ने आपके सर मुबारक पर ख़त्म नबुव्वत का ताज सजाया, इस ख़त्म नबुव्वत के अकीदे का मतलब माना और मफहूम क्या है? आसान लफ्ज़ों में अर्ज़ करता हूँ, हुजूर की ख़त्म नबुव्वत का मतलब क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो तादाद और गिनती मुकर्रर थी, अल्लाह की तरफ से अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो तादाद और गिनती मुकर्रर थी, हुजूर के आने से वो तादाद पूरी हो गई, आपके आने से वो गिनती मुकम्मल हो गई। अल्लाह ताला की तरफ से जो तादाद मुतायन थी आपके तशरीफ़ लाने से वो पूरी हो गई, अब उस तादाद में इजाफा नहीं किया जा सकता। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे समझाने के लिए एक आसान मिसाल दी है जिसे हम में से हर बंदा समझ सकता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल की, फरमाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मासली व मासलल अंबिया इमिन कबली, अगर किसी बंदे ने मेरी और पहले अंबिया की मिसाल समझनी हो, कमासली रजुलिन बना बैतन फअहसनहु व अजमलहु इल्ला मौज़िया लबिनतिन मिन ज़ाविया, इसे यूं समझो जैसे एक बंदा एक मकान, एक कमरा, एक महल और कोठी तामीर करता है, खूबसूरत से खूबसूरत बनाता है, एक एक ईंट और गुलाक अच्छे से अच्छा मुंतखब करके लगाता है और एक एक ईंट को उसकी जगह पर रखता है। उस पूरे मकान और महल को तामीर करने के बाद एक ईंट की जगह उसमें छोड़ देता है। फजालन्नासु यतूफून बिही व यतअज्जबून लहु, फिर अपने रिश्तेदारों को, बिरादरी को, दोस्त अहबाब को, ख़ानदान वालों को बुलाता है और अपना मकान, अपनी कोठी और बंगला दिखाता है। लोग जब उस मकान को देखते हैं तो लोग उस मकान की खूबसूरती पर उसे दाद देते हैं। वयकुलून हल्ला वुज़ियत हाज़िहि लबिना, उनमें से चंद अफराद कह बैठते हैं, यार ये ईंट की जगह क्यों छोड़ दी? अगर इस जगह पर ईंट को लगा दिया जाए, इस ईंट को भी लगा दिया जाए तो महल की खूबसूरती मुकम्मल हो जाएगी। ये बंदा ईंट उठाता है, उस जगह पर ईंट लगाता है, अब ये महल ऐसे मुकम्मल हुआ कि इसमें मज़ीद किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं, इसमें मज़ीद किसी ईंट की गुंजाइश नहीं। फरमाया फ़अना लबीना व अना खातमुन नबीयीन, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबुव्वत का महल बनाया, कसरे नबुव्वत की तामीर फरमाई। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को नबी बनाया, हजरत इब्राहिम को नबी बनाया, हजरत मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। हर नबी अपनी अपनी जगह पर खूबसूरत था, बाकमाल था, अच्छी खसूसियात का मालिक था। कसरे नबुव्वत तो बन गया लेकिन एक जगह बाकी थी, उस एक जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे नबी बनाकर भेजा। जैसे आखिरी ईंट लगाकर मकान को मुकम्मल कर दिया जाता है, अल्लाह ने मेरे सर पर नबुव्वत और ख़त्म नबुव्वत का ताज सजाकर कसर नबुव्वत को यूं मुकम्मल फरमाया जैसे उस ईंट के बाद मज़ीद ईंट की ज़रूरत नहीं, मुझ मोहम्मद के बाद कायनात में किसी नए नबी की भी कोई ज़रूरत नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की ख़त्म नबुव्वत का मतलब ये है, आप तशरीफ़ लें, आखिर में तशरीफ़ लें, आपकी बेसत का ज़माना तमाम अम्बिया की बेसत के ज़माने के बाद है। जो ही आप तशरीफ़ लें, आपके तशरीफ़ लाने से अम्बिया की गिनती पूरी, अम्बिया की तादाद मुकम्मल, अब उसमें कमी भी नहीं कर सकते, उसमें इजाफा भी नहीं कर सकते। एक रिवायत के मुताबिक
हज़रात अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तादाद 1,24,000 है। एक रिवायत के मुताबिक अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तादाद 1,24,000 है। जब आप दुनिया में तशरीफ़ ले आए तो ये तादाद पूरी हो गई। अब आपके बाद किसी ऐसे नबी को मानना जिसकी वजह से तादाद में इजाफा हो जाए, गिनती बढ़ जाए, ये अकीदे ख़त्म नबूवत का इनकार होगा। अकीदे ख़त्म नबूवत को मानना नहीं होगा, बल्कि अकीदे ख़त्म नबूवत के इनकार की एक सूरत बल्कि सराहत होगी कि कोई बंदा हुजूर के बाद किसी ऐसे नबी को नबी माने जो नया हो, और उसको नबी मानने से अम्बिया की तादाद और गिनती में इजाफा हो जाए। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का अकीदा, आपको आखिरी नबी मानना, ये इस्लाम का असासी और बुनियादी अकीदा है। इस्लाम का असासी और बुनियादी अकीदा है। हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का फरमान और फतवा, हाफिज़ इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह ने अलखैरातुल हिसान फ़ी मनाक़िबिल इमाम आज़मी अबी हनीफ़त नौमान में नकल फरमाया। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं, अगर कायनात में कोई शख्स रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नई नबुव्वत का दावा करे, ये कहे कि मैं अल्लाह का नबी, ये कहे कि मैं अल्लाह का रसूल, ये कहे कि मैं अल्लाह का पैगंबर, और कोई बंदा इस सोच के साथ उससे दलील मांगता है कि अगर ये दलील देगा तो मैं इसे नबी मान लूँगा, इमाम सौ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये दलील मांगने वाला भी मुसलमान नहीं रहेगा, ये भी ईमान से निकल जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का अकीदा ऐसा असासी और बुनियादी अकीदा है जिसमें किसी मुद्दाई नबूवत से इस नीयत के साथ कि अगर ये दलील देगा तो इसे नबी मान लूँगा, इस दलील मांगने की भी इजाज़त और गुंजाइश मौजूद नहीं है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ने आप पर नबूवत के सिलसिले को ख़त्म फरमा दिया, आपको खातमुन नबीजीन बनाया। आपके आखिरी नबी होने पर हमारे पास दलील क्या है? आपकी ख़त्म नबूवत का अकीदा किस किस दलील से साबित है? चंद एक दलील आपकी तवज्जो की नज़र करूँगा जिनसे रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत साबित होगी, और ये बात भी समझ आएगी कि हुजूर के तशरीफ़ लाने के बाद किसी नए नबी को नबी मानने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी नए नबी की नबूवत की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह पाक ने नबूवत को रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कामिल, मुकम्मल और ख़त्म फरमा दिया। आपकी ख़त्म नबूवत की सबसे पहली दलील कुरान करीम का 26वां पारा सूरतुल फतह की आखिरी आयत, अल्लाह पाक फरमाते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीना के लाल हज़रत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं और आप जब इस्लाम की बात करते हैं तो हम एक कलमा की बात करते हैं जिसे कलमा तौहीद या कलमा तय्यबा कहा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मुकम्मल कलमा हदीस मुबारक की किताब किताबुल आसार में इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्ला के शागिर्द हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन रहिमहुल्ला ने नकल फरमाया बाबुल उज़हिया में कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के मौके पर दो जानवर ज़बह फरमाए, एक जानवर अपनी तरफ से और दूसरा जानवर उन लोगों की तरफ से, मन قال لا إله إلا الله محمد رسول الله, जो आपके मुसलमान उम्मती हैं कलमा पढ़ने वाले आपने उनकी तरफ से जानवर ज़बह किया, इसी को कलमा तय्यबा कहते हैं, कलमा तौहीद कहते हैं। ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में अपने नबी को रसूलुल्लाह फरमाया, अपने पैगंबर को रसूलुल्लाह फरमाया। आपसे पहले कायनात में जितने भी नबी गुजरे, अल्लाह ने जिन अम्बिया को नबुव्वत अता फरमाई, उन अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जो अलकाब हैं,
उनके जो अलकाब हैं, खसूसियात हैं, वो उलमा ने मुख्तलिफ तहरीर फरमाई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ीयुल्ला कहा जाता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नजीयुल्ला कहा जाता है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को खलीफतुल्ला कहा जाता है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिद्दीकुल्ला कहा जाता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्ला कहा जाता है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्ला कहा जाता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्ला कहा जाता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्ला कहा जाता है। ये अंबिया के मुख्तलिफ अलकाब हैं जिनमें उनको शोहरत मिली है। किसी नबी का लकब बतौर शोहरत के रसूलुल्ला नहीं है, किसी नबी का लकब बतौर शोहरत के रसूलुल्ला नहीं है, मुख्तलिफ अलकाब है। लेकिन अल्लाह पाक ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मशहूर लकब जिक्र फरमाया वो वस्फ रिसालत। आपसे पहले किसी को रसूलुल्लाह नहीं कहा, आपको रसूलुल्लाह फरमाया। इसकी वजह क्या है, अच्छी तरह बात को समझेंगे। रसूल अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसका माना होता है कासिद, जिसका माना होता है नुमाइंदा, जिसका माना होता है किसी का पैगाम लेकर आगे पहुंचाने वाला। इस रसूल और कासिद के ज़िम्मे दो काम हैं, नंबर एक, एक से पैगाम लेना, नंबर दो, दूसरे को पैगाम देना। ये कासिद का काम होता है, एक बंदे का पैगाम दूसरे तक पहुंचाता है, एक बंदे की बात दूसरे तक पहुंचाता है, ये दो बंदों के दरमियान वास्ता। रसूल उस मुकद्दस जमात को कहा जाता है जो अल्लाह का पैगाम लेते हैं, उम्मत को पैगाम देते हैं। जिस तरह दुनिया में कासिद एक का पैगाम दूसरे तक पहुंचाता है, इसी तरह अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के पैगाम को अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाया। ये हज़रत आदम ने भी किया, हज़रत इब्राहीम ने भी किया, हर नबी ने अल्लाह का पैगाम उम्मत तक पहुँचाया। अब सवाल ये है, जब रसूल का माना है अल्लाह से लेना और उम्मत को देना, ये काम तो पहले नबियों ने भी किया, ये काम हुजूर ने भी फरमाया, उन्हें रसूलुल्लाह नहीं कहा, आपको रसूलुल्लाह कहा, उन्हें अल्लाह का रसूल बतौर लकब शोहरत के नहीं फरमाया, अगरचे वो रसूल थे। बाज़ की रिसालत का तज़किरा रसूलुल्लाह के लफ्ज़ के साथ कुरान में भी है, लेकिन बतौर शोहरत के यह लकब नहीं था। जब उन्होंने अल्लाह से लिया भी, आगे मखलूक को दिया भी, उन्हें रसूलुल्लाह क्यों नहीं कहा, आपको रसूलुल्लाह कहा? वजह उसकी ये है, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन अम्बिया ने जब अल्लाह से लिया तो लेने की एक हद थी, आगे जब मखलूक को दिया तो देने की भी एक हद थी। जब अल्लाह से लिया तो लेने की जगह मजीद बाकी थी, जब आगे मखलूक को दिया तो देने की जगह अभी बाकी थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात में तशरीफ़ ले आए, जब अल्लाह से लिया तो लेने की तमाम जगह ख़त्म फरमा दी, जब मखलूक को दिया तो देने की भी तमाम जगह ख़त्म फरमा दी, उनकी जगहों के बाद जगह बाकी थी। आप तशरीफ़ ले आए तो लेने और देने की जगह ख़त्म हो गई, इसलिए उन्हें रसूलुल्लाह नहीं कहा, आपको रसूलुल्लाह फरमाया है। आप पर अल्लाह ने सारी चीज़ें ख़त्म फरमा दी, आप अल्लाह से लेने पे आए तो लेने की जगह ख़त्म, जब मखलूक को देने पे आए तो देने की जगह ख़त्म। समझाने के लिए थोड़ी सी तफसील अर्ज़ करूँगा। हज़रत आदम ने अल्लाह से लिया जन्नत में बैठ कर, अभी जन्नत के ऊपर मज़ीद जगह बाकी थी। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह से लिया चिखे में जाकर, अभी मज़ीद जगह बाकी थी। हज़रत इस्माईल ने अल्लाह से लिया छुर्री के नीचे लेट कर, अभी जगह बाकी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से लिया कश्ती का मल्लाह बनकर, अभी जगह बाकी थी। हज़रत दाऊद ने अल्लाह से लिया एक ख़ास हद में रहकर, अभी जगह बाकी थी। हज़रत सुलेमान ने अल्लाह से लिया अपने तख्त को फिजा में उड़ाकर, अभी जगह बाकी थी। हज़रत मूसा ने अल्लाह से लिया कोहे तूर पर जाकर, अभी जगह बाकी थी। हज़रत ईसा ने अल्लाह से लिया आसमान पर जाकर, अभी जगह बाकी थी। ये तमाम अंबिया वो हैं जिन्होंने अल्लाह से इलम लिया,
अल्लाह से अमल लिया लेकिन लेने की जगह बाकी थी। क्यों? इसलिए कि इनके बाद अभी मजीद नबी ने आना था। जब नबी ने आना है अल्लाह ने जगहों को भी बाकी रखा। रहमत दुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले, अल्लाह ने जब आपको देना शुरू किया कायनात की सारी जगह अल्लाह ने आप पर ख़त्म फरमा दी। खुलासे के लिए दो लफ्ज़ अर्ज़ करूँगा। कुरान करीम का अगर मुताला किया जाए कुरान करीम से एक बात समझ आती है, कायनात की सबसे पहली जगह जिससे जगहों की इब्तिदा होती है उसे काबा और बैतुल्ला कहते हैं, और कायनात की सबसे आखिरी जगह जिस पर जगहों की इंतहा होती है जो उसे अर्श कहा जाता है। कायनात की इब्तिदा काबा से, इंतहा अर्श पर। काबा से पहले कायनात में कोई जगह नहीं, अर्श के बाद भी कायनात में कोई जगह नहीं। अल्लाह जब अपने नबी को लेने देने पे आया नबी को काबा में भी दिया, नबी को अर्श पर बुलाकर भी दिया, ये कायनात को समझा दिया। जिस तरह कायनात की इब्तिदा काबा से, इंतहा अर्श पर है, इसी तरह नबुव्वत देने की इब्तिदा भी मेरे नबी से, नबुव्वत देने की इंतहा भी मेरे पैगंबर पर है। जैसे अर्श के बाद कायनात में जगह कोई नहीं, ऐसे मेरे नबी के बाद कायनात में किसी नए नबी की ज़रूरत भी कोई नहीं। और जब अंबिया ने आगे मखलूक को दिया, देने की भी एक हद थी। हजरत आदम ने दिया अपनी उम्मत को, हजरत नूह ने दिया अपनी उम्मत को, हजरत इब्राहिम ने दिया अपनी उम्मत को, अपनी अपनी उम्मत को दिया। क्यों? इसलिए कि अभी सिलसिला जारी था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, आप देने पे आए, आपने देने की भी जगह सारी ख़त्म कर दी। कायनात में सबसे पहला मकाम मर्तबा जहाँ से शुरू होता है उसे अहले ईमान कहा जाता है, जहाँ पर इंतहा होती है उन्हें अंबिया कहा जाता है। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से लेकर उम्मत को भी दिया, अंबिया को भी दिया। अल्लाह ने अपने नबी पर देने की जगह भी सारी ख़त्म फरमा दी, लेने की जगह भी सारी ख़त्म फरमा दी। इसलिए पहले अंबिया में से किसी नबी को बतौर लकब मशहूर के रसूलुल्लाह नहीं कहा, आमिना के लाल को रसूलुल्लाह कहा। तो हुजूर की ख़त्मे नबुव्वत की सबसे पहली दलील कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपका रसूलुल्लाह होना दलील, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। क्या माना? जब अल्लाह ने आपको दिया, देने की जगह ख़त्म फरमा दी, हुजूर ने आगे उम्मत को दिया, यहाँ पर भी देने की जगह ख़त्म फरमा दी, न जगह लेने की बची है न जगह आगे देने की बची है। अल्लाह ने लेने की जगह भी हुजूर पर मुकम्मल फरमा दी, देने की जगह भी हुजूर पर मुकम्मल फरमा दी। ये इस बात की दलील है, पहले अंबिया सिर्फ नबी थे, आप आखिरी नबी हैं। वो फ़कत अंबिया, आप खातमुल अंबिया, उनके सर पर अल्लाह ने फ़कत नबुव्वत का ताज सजाया, हुजूर के सर मुबारक पर अल्लाह ने ख़त्म नबुव्वत का ताज सजाया। सबसे पहली दलील आपका रसूल होना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी। आपकी ख़त्म नबुव्वत पर दूसरी दलील जिससे आपकी ख़त्म नबुव्वत साबित होती है, आप अलैहिस्सलाम से पहले तीन नबी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने आसमानी किताब अता फरमाई, तीन नबी ऐसे जिन्हें अल्लाह ने आसमानी किताब अता फरमाई। एक नबी का नाम हजरत दाऊद, उनको किताब दी जिसे जबूर कहते हैं। एक नबी का नाम हजरत मूसा, उन्हें किताब दी जिसे तौरात कहते हैं। एक पैगंबर का नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्हें किताब दी जिसे इंजील कहते हैं। आपसे पहले ये तीन नबी हैं और ये तीन आसमानी किताबें हैं। वक़्त गुजरने के साथ साथ ये आसमानी किताबें वो हैं जो तब्दील हो गई, वक़्त गुजरने के साथ साथ ये आसमानी किताबें वो हैं जो अपनी असली सूरत में बाकी नहीं रही। वक़्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने इन आसमानी किताबों में तहरीफ़ और तब्दीली कर डाली। आज दुनिया का कोई शख्स भी हजरत दाऊद का कलमा पढ़ने वाला, हजरत मूसा की नबुव्वत का इकरार करने वाला, उन्हें नबी मानकर आज भी उनका कलमा पढ़ने वाला, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ
अपनी निस्बत करने वाला, अपने आप को नसरानी और ईसाई कहने वाला, आज कोई बंदा भी ये नहीं कह सकता हमारे पास तौरात वही जो हजरत मूसा पर उतरी थी। कोई ईसाई नहीं कह सकता हमारे पास इंजील वही जो हजरत ईसा अलैहि सलाम पे उतरी थी। हजरत दाऊद को मानने वाला कोई बंदा आज दावा नहीं कर सकता कि हमारे पास जबूर वही जो हजरत दाऊद अलैहि सलाम पर उतरी थी। बल्कि मेरी मालूमात की हद तक जहाँ तक हमने पढ़ा है, मुल्क बदलने से तौरात और इंजील बदल जाती है, सूबा बदलने से बाइबल बदल जाती है, ज़िला और शहर बदलने से आसमानी किताब तब्दील हो जाती है। एक मुल्क से छपने वाली इंजील दूसरे मुल्क की इंजील से नहीं मिलती। एक में कुछ होगा, दूसरी में कुछ और होगा, तीसरी में कुछ और होगा। एक इंजील दूसरी इंजील से नहीं मिलती, वो अपनी असली सूरतों में महफूज नहीं, उनमें तब्दीलियां की गई। अगर कोई बंदा हमसे पूछे, हम उसे तहद्दी चैलेंज के साथ दावे के साथ ये बात कर सकते हैं, अगर किसी बंदे में हिम्मत हो और वो ये काम कर सके, मशरिक से चले मगरिब तक पहुँचे, शुमाल से चले जुनूब तक पहुँचे, ज़मीन से चले आसमान तक पहुँचे, तहत सरा से चले सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, अगर किसी के बस में हो फर्श से चले अर्श तक पहुँचे, रब्बे मोहम्मद की कसम जो कुरान मशरिक में वही मगरिब में, जो शुमाल में वही जुनूब में, जो ज़मीन पर वही आसमान पर, जो तहत सरा वही सिदरतुल मुंतहा, जो फर्श ज़मीन वही अर्श बरी। हम कुरान के बारे में ये कह सकते हैं अल्लाह ने आज से तकरीबन 1450 साल पहले जो कुरान जिब्रील को दिया, जिब्रील ने हुजूर को दिया, हुजूर ने सहाबा को दिया, सहाबा ने उम्मत को दिया, आज 1450 साल गुजरने के बाद भी मेरे और आपके पास कुरान करीम अपनी असली सूरत में महफूज है। मैं सिपारे की बात नहीं करता, सूरत की बात नहीं करता, रकू की बात नहीं करता, आयत की बात नहीं करता, लफ्ज और हर्फ की बात नहीं करता। रब्बे मोहम्मद की कसम आज 15 सदियां गुजरने को हैं, आज तक किसी मई के लाल में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई कुरान करीम के एक नुक्ते को भी तब्दील कर सके, जेर और जबर को भी तब्दील कर सके। पहली आसमानी किताबें महफूज नहीं, कुरान करीम अपनी असली सूरत में महफूज है, उनके अंदर तब्दीलियां की गई, कुरान करीम के अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सका। अगर मैं आपसे सवाल करूं, जरा बताइए मुझे तौरात जबूर इंजील ये किसकी किताबें, आप जवाब देंगे अल्लाह ताला की। मैं पूछूं तौरात जबूर इंजील इन्हें नाजिल किसने किया, आप जवाब देंगे अल्लाह पाक ने। मैं सवाल करूं तौरात जबूर इंजील को लाने वाला कौन, आप जवाब देंगे जिब्रील। मैं सवाल करूं जिन्हें तौरात जबूर इंजील दी गई वो कौन, आप जवाब देंगे अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर। यही 4 सवाल अगर मैं आपसे कुरान के बारे में करूं, बताइए कुरान करीम किताब किसकी, आप जवाब देंगे अल्लाह की। उतारी किसने, आप जवाब देंगे अल्लाह ने। लाने वाला कौन, आप जवाब देंगे जिब्रील। जिनके कल्ब अतहर पे उतारी गई वो कौन, आप जवाब देंगे अल्लाह के नबी। फिर मैं सवाल कर सकता हूँ, जब किताब कुरान भी अल्लाह की, वो भी अल्लाह की, उतारा इसे भी अल्लाह ने, उन्हें भी अल्लाह ने, लाने वाले इसे भी जिब्रील, लाने वाले उन्हें भी जिब्रील, जिन पर कुरान उतारा गया वो भी नबी, जिन्हें तौरात ज़बूर इंजील दी गई वो भी अल्लाह के नबी, अल्लाह भी वही, जिब्रील भी वही, जिनके कल्ब अतहर में उतारी गई वो भी अल्लाह के नबी। जब किताबें अल्लाह की, वो महफूज क्यों नहीं, कुरान करीम महफूज क्यों है, इनमें तब्दीली क्यों की गई, कुरान करीम को तब्दीली से क्यों बचाया गया। जो खुदा जो अल्लाह कुरान की हिफाजत करवा सकता है वो तौरात और ज़बूर इंजील की भी हिफाजत करवा सकता है। जब किताबें सारी अल्लाह की, वो महफूज क्यों नहीं, कुरान करीम महफूज क्यों है। उसकी सबसे पहली और बुनियादी वजह यह है, जिन्हें तौरात जबूर इंजील दी गई वो अल्लाह के नबी थे, जिन्हें कुरान दिया गया वो आखिरी नबी हैं।
जिन्हें वो दी गई उनके सर पर फकत नबुव्वत का ताज और जिसे कुरान दिया गया उनके सर मुबारक पर खत्मे नबुव्वत का ताज है। उन अंबिया ने जाना था, जाने के बाद किसी और नबी ने आना था, अल्लाह ने उसे मजीद तालीमात देनी थी। नबी के जाने के बाद नबी ने आना, अब जब नबी ने आना है पहली किताब की हिफाजत की ज़रूरत नहीं। क्यों? इसलिए कि इंसान की फितरत है जो चीज़ चलने वाली हो, जो चीज़ अमल करने वाली हो उसकी हिफाजत तो की जाती है, जो सिक्का बंद हो जाए उसकी हिफाजत का इंतज़ाम नहीं किया जाता। जो सिक्का चलने वाला हो, जो करेंसी चलने वाली हो उसे महफूज रखा जाता है, चलने वाली ना हो उसकी हिफाजत का इंतज़ाम एहतमाम नहीं किया जाता। चूँकि तौरात ज़बूर इंजील पर अमल करने की ज़रूरत नहीं, हिफाजत की भी ज़रूरत नहीं। हुजूर के बाद कायनात में चूँकि किसी नए नबी की ज़रूरत नहीं, आपके बाद क़ियामत है, आपके बाद आखरत है, नबुव्वत का सिलसिला मुनक़ते हो गया। चूँकि कुरान करीम पर अमल करना था इसलिए अल्लाह ने कुरान करीम की हिफाजत करवाई है। अब मैं समझाने के लिए कहूँगा, कुरान करीम का हमारे पास महफूज होना ये दलील हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, कुरान करीम की एक एक सूरत दलील अल्लाह के नबी आखिरी नबी, एक एक पारा दलील आप अल्लाह के आखिरी नबी, एक एक आयत दलील आप अल्लाह के आखिरी नबी, एक एक हर्फ और लफ्ज़ दलील आप अल्लाह के आखिरी नबी, एक एक आयत पर जेर और ज़बर दलील आप अल्लाह के आखिरी नबी। अगर मेरे और आपके पास आज अगर अल्लाह का कुरान महफूज है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है। कुरान करीम का महफूज होना यह दलील है कि हुजूर कौन? अल्लाह के आखिरी नबी। अगर हुजूर आखिरी नबी ना होते आज मेरे और आपके पास कुरान महफूज ना होता, आपके बाद किसी नए नबी ने आना होता हमारे पास कुरान करीम महफूज ना होता। कुरान करीम का महफूज होना यह दलील है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है। हुजूर की खत्मे नबुव्वत की तीसरी दलील जिससे साबित होता है कि आप अल्लाह के आखिरी नबी, आपसे पहले कायनात में जितने भी नबी आए किसी नबी की मुकम्मल जिंदगी उनकी उम्मतों के पास महफूज नहीं है। किसी भी नबी की मुकम्मल सीरत उनकी उम्मतों के पास महफूज नहीं, किसी भी नबी की इबादत के मुकम्मल तरीके उनकी उम्मतों के पास महफूज नहीं। अगर कोई हमसे पूछेगा हम अल्लाह के नबी की जिंदगी को यूं महफूज बताएंगे, हुजूर अपनी वालदा के पेट में थे हमारे पास वो हालात भी महफूज हैं, अल्लाह के नबी पैदा हुए आपकी विलादत के वाकयात हमारे पास महफूज हैं, आपका बचपन आपका लड़कपन आपकी जवानी आपकी शादी आपकी तिजारत आपकी औलाद आपकी जंगें आपके मामलात आपकी खानगी जिंदगी आपकी बाहर की जिंदगी, अपनों के साथ बरताओ गैरों के साथ बरताओ, आपकी इबादत का तरीका इबादत के अहवाल, आप अलैहिस्सलाम की दुनियावी जिंदगी में आपकी बीमारियां आपकी रहलत और वफात, आपको गुस्ल देने वाले आपका जनाजा कैसे पढ़ा गया, आपको कब्र में उतारने वाले कौन, कब्र के अंदर अल्लाह के नबी के जिस्म का महफूज होना, कब्र के अंदर अल्लाह के नबी की खिदमत में मलाइका की तरफ से सलाम का पहुंचाना, कब्र अनवर पर हाजिर होने वालों के सलाम को सुनकर उसका जवाब देना, आप अलैहिस्सलाम का कब्र में रहकर अल्लाह की इबादत नमाज की सूरत में अदा करना, अल्लाह की तरफ से आपको रिज्क का मिलना, उम्मत के आमाल को देखकर खुशी का इजहार करना या इस्तिग़फार करना, आपका क़ियामत के दिन कब्र से उठना, हौज़े कौसर पर जाना, उम्मत की शफात फरमाना, हिसाब और किताब के लिए आसानी और सहूलत की शफात करना, आपका जन्नत में जाना, अलगर्ज़ माँ के पेट से लेकर दुनिया तक, दुनिया से लेकर कब्र तक, कब्र से लेकर जन्नत में जाने तक आपकी जिंदगी के एक एक हालत आज हमारे पास महफूज है। किसी नबी की जिंदगी किसी नबी की सीरत उनकी उम्मतों के पास महफूज नहीं।
मेरे और आपके पास आज भी नबुव्वत की सीरत और जिंदगी मुकम्मल तौर पर महफूज है। यहाँ भी अगर मैं आपसे सवाल करूँ, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक ये अशखास कौन, ये जमात किसकी? आप कहेंगे अंबिया की। मैं सवाल करूँ इनको नबी किसने बनाया, आप जवाब देंगे अल्लाह पाक ने। इनकी जिंदगी कैसी थी, आप जवाब देंगे मासूमियत वाली। इनकी जिंदगी में मासीयत नहीं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं, इनकी जिंदगी में ऐब थी, इनकी जिंदगी में अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह मौजूद नहीं था। आपसे मैं सवाल करूं हुजूर कौन, आप कहेंगे अल्लाह के नबी। आपके सर मुबारक पर नबुव्वत का ताज किसने रखा, आप कहेंगे अल्लाह पाक ने। आपकी जिंदगी भी कैसी, आप कहेंगे मासूम, आपकी जिंदगी में गुनाह नहीं। फिर सवाल ये है, जब वो भी अल्लाह के नबी, हुजूर भी अल्लाह के नबी, उन्हें भी नबी अल्लाह ने बनाया, आपको भी अल्लाह ने बनाया, उनको भी अल्लाह ने गुनाहों से बचाया, आपको भी अल्लाह ने गुनाहों से बचाया, उनकी सीरत महफूज क्यों नहीं, आपकी जिंदगी महफूज क्यों है, उनके अहवाल महफूज क्यों नहीं, आपकी मुकम्मल जिंदगी इस उम्मत के पास महफूज क्यों है? याद रखना, इसकी भी सबसे बड़ी वजह यह है, वो फकत नबी, आप आखिरी नबी, उनके लिए फकत नबुव्वत, आपके लिए खत्मे नबुव्वत, उनकी नबुव्वत के बाद नबुव्वत, आपकी नबुव्वत के बाद कियामत, वो फकत अंबिया, आप खातमुल अंबिया। अगर आज मेरे और आपके पास अपने नबी की मुकम्मल जिंदगी महफूज है तो ये दलील है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। क्यों? आज अगर कोई बंदा हजरत मूसा अलैहि सलाम की तालीमात पर अमल करना चाहे, कर सकता है? आज अगर कोई बंदा हजरत दाऊद अलैहि सलाम की तालीमात पे अमल करना चाहे, कर सकता है? नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है? मुस्लिम शरीफ की रिवायत, आपने फरमाया लौका न मूसा हया लमा वसियहु इल्ला तिबाई। ऐ मुसलमानों, आज अगर अल्लाह के नबी हजरत मूसा भी दुनिया में मौजूद होते, वो मुझ मोहम्मद की बात मानते, अपनी बात ना करते। इसलिए हमारा अकीदा है अल्लाह ने अंबिया में से एक नबी हजरत ईसा को जिंदा आसमान पे उठा लिया। जब कियामत करीब आएगी, हजरत ईसा जिंदा जमीन पर तशरीफ लेंगे। आप जमीन पर आकर ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे। अगर नमाज पढ़ेंगे या पढ़ेंगे, इंजील की तिलावत नहीं, अल्लाह के कुरान की तिलावत करेंगे। बात ईसाइयत की नहीं करेंगे, इस्लाम की करेंगे, अपनी शरीयत की नहीं, शरीयत मुहम्मदिया की करेंगे। चूंकि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, आपकी खत्मे नबुव्वत की वजह से अल्लाह ने इस उम्मत के अंदर ये एहसास अता फरमाया, उम्मत के पास नबी की मुकम्मल जिंदगी आज भी महफूज है। बल्कि मैं एक बात मजीद अर्ज करता हूं, अल्लाह ने अपने नबी की खत्मे नबुव्वत की वजह से आपकी खत्मे नबुव्वत को यूं बताया, यूं साबित फरमाया, आज किसी नबी का उम्मती सही दलाइल की दुनिया में अपने नबी के मुकम्मल फरामीन भी नहीं बता सकता। अगर हमसे कोई बंदा पूछेगा, हम बताएंगे अगर मेरे पैगंबर ने अपनी मुबारक जुबान से लफ्ज फरमाया, उम्मत के पास अल्फाज भी महफूज हैं। अगर नबी ने हाथ से इशारा फरमाया, हमारे पास इशारात भी महफूज हैं, मेरे नबी के इशारे भी महफूज हैं, आपकी आदात भी महफूज हैं, आपकी खसूसियात भी महफूज हैं, इबादात के अहवाल भी महफूज हैं। वजह उसकी ये है, पहले फकत नबी, आप आखिरी नबी, उनके लिए फकत नबुव्वत, आपके लिए खत्मे नबुव्वत, वो अंबिया, आप खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर उम्मत के पास मेरे नबी की जिंदगी मुकम्मल महफूज है तो ये दलील हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है। आपकी खत्मे नबुव्वत की चौथी दलील, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, आपकी खत्मे नबुव्वत की चौथी दलील, मेरी और आपकी शक्लों का महफूज होना, यह दलील है कि हुजूर पर नबुव्वत खत्म है। गुनाहों के बावजूद मेरी और आपकी शक्लों का न बिगड़ना,
अल्लाह की तरफ से किस उम्मत पर इज्तिमाई अजाब का न आना, ये दलील अल्लाह ने नबुव्वत की हुजूर पर तकमील और इंतहा फरमा दी। अल्लाह की ना फरमानी के बावजूद भी आसमान से पत्थरों का ना बरसना, अल्लाह की ना फरमानी के बावजूद भी आसमान से आग का ना बरसना, अल्लाह की ना फरमानी के बावजूद भी शक्लों का महफूज होना, ये दलील है अल्लाह ने नबुव्वत की हुजूर पर इंतहा फरमा दी। अगर हुजूर आखिरी नबी न होते, मेरी और आपकी शक्लें महफूज न होती, हुजूर आखिरी नबी न होते, हम इस कायनात में अमन, चैन, इत्मीनान और सुकून के साथ न फिरते। थोड़ी सी तफसील इसकी भी अर्ज करना चाहूंगा। कुरान करीम का नौवां पारा सूरतुल अनफाल की आयत 32 आयत 33 में अल्लाह पाक ने अहले मक्का उनकी एक दुआ का तस्करा फरमाया, फिर अल्लाह ने अपने करम का तस्करा फरमाया, नबी की खत्म नबुव्वत का तस्करा फरमाया। अल्लाह पाक ने कुरान करीम की इन आयात में अहले मक्का की एक दुआ को नकल किया। ये अहले मक्का घर से चले, काबा और बैतुल्ला का गिलाफ पकड़ा, गिलाफ पकड़ कर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन काना हाजा हुवल हक मिन इंदिक फअम्तिर अलैना हिजारतन मिनस समा अबीतिना बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह अगर दीन मुहम्मदी सच्चा, तेरे नबी वाकी बर हक, इस्लाम वाकी सच्चा दीन है, अल्लाह हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे, हमें अजाब में मुब्तला कर दे, अल्लाह हमारा नामो निशान इस कायनात और दुनिया से मिटा दे। अल्लाह पाक ने उन्हें अजाब में मुब्तला नहीं किया, उन पर आसमान से पत्थर नहीं बरसे, अल्लाह ने उनकी शक्लों को नहीं बिगाड़ा, शक्लों को तब्दील नहीं फरमाया। मासीयत और नाफरमानी के बावजूद अल्लाह ने उन्हें दुनिया के इज्तिमाई अजाब से बचाया। कोई कह सकता था अगर वो गलत तो अजाब क्यों नहीं आया, मांग रहे हैं पत्थर क्यों नहीं बरसे, अगर वो ठीक नहीं है अल्लाह ने उन्हें तबाह क्यों नहीं किया, अल्लाह ने उनकी शक्लों को क्यों नहीं बिगाड़ा। अल्लाह ने कुरान करीम की आयत में जवाब दिया, फरमाया वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। समझाने के लिए हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी रहमतुल्लाह की तफसीर मारिफुल कुरान का सहारा लूंगा। हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह का कानून ये है, अल्लाह की आदत ये है, अल्लाह की तरफ से ज़ाबता और उसूल ये है, अगर किसी नबी की उम्मत अपने नबी की बात न माने, अल्लाह उन्हें अजाब देने का फैसला फरमा ले, फिर खुदा का कानून ये है, जो नबी जिस जगह का नबी हो, जहां जहां तक नबी की नबुव्वत की हद हो, जो जगह नबी की नबुव्वत के एरिया में शामिल हो, जब तक नबी नबुव्वत के एरिया में होगा अल्लाह कौम को अजाब नहीं देंगे, जब तक नबी नबुव्वत की हद में होगा अल्लाह अजाब नहीं देंगे। अजाब कब देंगे? जब नबी को नबुव्वत की हद से निकाल लेंगे, नबी ऐसी जगह पर चले जाएंगे जो नबी की नबुव्वत का एरिया नहीं, नबी की नबुव्वत की हद नहीं, नबी की नबुव्वत की हद से बाहर। जब नबी नबुव्वत की हद से निकलेगा अल्लाह कौम को अजाब में मुब्तला कर देगा। समझाने के लिए सिर्फ कहूंगा, एक नबी इस मस्जिद का नबी है, ये नबी की नबुव्वत का एरिया, नबी की नबुव्वत की हद है, कौम ने बात नहीं मानी, जब तक नबी इस जगह पर मौजूद होगा कौम पे अजाब नहीं आएगा। नबी यहां से चला उस कोने में पहुंचा, अब भी अजाब नहीं आएगा, क्यों? इसलिए कि ये भी नबुव्वत का एरिया, वो भी नबुव्वत का एरिया, उस कोने में पहुंचा, अजाब अब भी नहीं आएगा, इसलिए कि नबी अभी नबुव्वत की हद में है, इस कोने में आएगा, अजाब अब भी नहीं आएगा, क्यों? इसलिए कि नबी नबुव्वत के एरिया और हद में है। जो ही नबी इस मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकलेगा अल्लाह पूरी कौम को तबाह कर देंगे, क्यों? इसलिए कि अब नबी नबुव्वत के एरिया से निकल गया, नबी नबुव्वत के हद से निकल गया। नबी का नाम है हजरत नूह, कौम ने बात नहीं मानी, फरमाया ऐ मेरे नबी बेड़ा तैयार कीजिए, कश्ती तैयार कीजिए, अल्लाह ने पानी को भेजा, जब वो पानी के अंदर तैरता हुआ बस्ती से निकला अल्लाह ने बस्ती वालों को तबाह कर दिया।
जब तक नबी उनमें मौजूद थे अल्लाह ने अजाब नहीं दिया। नबी का नाम है हजरत लूत, अल्लाह के नबी की कौम ने बात नहीं मानी, फरमाया रात के वक्त हिजरत कीजिए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बस्ती को छोड़ा, अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह कर दिया, आसमान से पत्थर बरसाकर बस्ती को उल्टा करके अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह कर दिया। जब तक हजरत लूत अपनी नबुव्वत की हद में थे अल्लाह ने अजाब नहीं दिया। नबी का नाम है हजरत मूसा, कौम ने बात नहीं मानी, फरमाया रात के वक्त हिजरत कीजिए। हजरत मूसा ने दरिया क्रॉस किया, अल्लाह ने कौम को गर्क फरमा दिया। जब तक नबी नबुव्वत के एरिया में थे अल्लाह ने कौम को अजाब नहीं दिया। इस पस मंजर में समझिए, अहले मक्का ने कहा अल्लाह अगर तेरा नबी सच्चा, अल्लाह अगर ये वाकई तेरा नबी, इसका दीन पर हक, अल्लाह हमें अजाब दे दे, हमारा नामो निशान दुनिया से मिटा दे। फरमाया वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम वअंत फीहिम, ऐ मेरा पैगंबर मैं इन्हें कैसे अजाब दूं, आप जो इनके अंदर मौजूद हैं आपके होते हुए कैसे अजाब दूं। मेरा कानून ये है, जब तक नबी उनमें कौम में हो, जब तक नबी नबुव्वत की हद में हो, मैं कौम को अजाब नहीं देता। अल्लाह के नबी ने मक्का छोड़ा, आप तैफ में तशरीफ ले गए, अब आप मक्का में नहीं थे तैफ में थे, अब तो मक्का वालों पे अजाब आ जाता इसलिए कि आप मक्का में नहीं है। फरमाया वा अंता फीहिम, ऐ मेरा पैगंबर वो और नबी थे जो एक बस्ती के नबी, वो और नबी थे जो एक कौम के नबी, वो और नबी थे जो एक शहर के नबी। आप मक्का में हो ये भी आपकी नबुव्वत की हद है, आप तैफ में चले जाएं ये भी आपकी नबुव्वत की हद है, आप किसी बस्ती के नबी नहीं। अल्लाह के नबी वहां से चले मदीना पहुंचे, मक्का वालों पे अब भी अजाब नहीं आया। फरमाया वा अंत फीहिम, मेरा मुहम्मद तू मक्का का भी नबी है, तू मदीना का भी नबी है। आप बदर में पहुंचे, ओहद में पहुंचे, हुनैन में पहुंचे, खंदक में पहुंचे, मक्का वालों पे अब भी अजाब नहीं आया। फरमाया वा अंत फीहिम, ऐ मेरा पैगंबर जैसे आप मक्का के नबी, आप बदर के भी नबी, ओहद के भी नबी, खंदक के भी नबी, हुनैन के भी नबी, क्यों? मेरा साबता ये है, जहां जहां तक नबी की नबुव्वत का एरिया हो, जब तक नबी उसमें मौजूद हो मैं अजाब नहीं देता। एक वक्त आया अल्लाह के नबी मक्का की सरजमीन से चले, आप बैतुल मुकद्दस पहुंचे, अब मक्का वालों पे अजाब अब भी नहीं आया। फरमाया वा अंत फीहिम, मेरा पैगंबर तू बैतुल मुकद्दस का भी नबी। अल्लाह के नबी वहां से चले, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, सिदरतुल मुंतहा, शरीफुल अकलाम, आप अर्श पर पहुंचे, अब हुजूर कायनात में जमीन पर नहीं, फर्श पर नहीं, आप अर्श पर जा चुके, अब भी जमीन वालों पे अजाब नहीं आया। फरमाया वा अंत फीहिम, मेरा मुहम्मद तू फर्श का भी नबी। अंत फीहिम, मेरा मुहम्मद तू अर्श का भी नबी। आप वापस है, आप बीमार हुए, आपका इंतकाल हुआ, सहाबा ने गुसल दिया, कफन पहनाया, सलातो सलाम की सूरत में आपका जनाजा अदा फरमाया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में आपको दफन फरमाया। अब हुजूर जमीन पर नहीं, जेरे जमीन चले गए, आप जमीन पर नहीं, अब तो कब्र अनवर के अंदर चले गए, अब तो अजाब आ जाना चाहिए, अब भी अजाब नहीं आया। फरमाया वा अंत फीहिम, ऐ मेरा मुहम्मद वो और थे जो दुनिया से जाते उनकी नबुव्वत की हद खत्म हो जाती, आप दुनिया में हो, आप दुनिया के नबी, आप कब्र में चले जाएं, आप कब्र के भी नबी हैं। पता ये चला आपकी नबुव्वत कहां से शुरू हुई, आप मक्का में हो, अंत फीहिम मक्का के नबी, आप मदीना में हो, अंत फीहिम आप मदीना के नबी, आप जमीन पर हो, अंत फीहिम आप जमीन के नबी, आप आसमान पर हो, अंत फीहिम आप आसमानों के नबी, आप फर्श पर हो, अंत फीहिम आप फर्श के नबी, आप अर्श पर चले जाएं, अंत फीहिम आप अर्श के नबी, आप दुनिया में हो, अंत फीहिम आप दुनिया के नबी, आप कब्र में चले जाएं, अंत फीहिम आप कब्र के भी नबी। नतीजा ये निकला, कायनात का कोई जर्रा भी ऐसा नहीं जो आपकी नबुव्वत के एरिया से बाहर हो, कोई खित्ता भी ऐसा नहीं जो आपकी नबुव्वत की हद से बाहर हो। यही वजह अल्लाह ने कुरान करीम में जो अल्फाज, जो असलूब
और जो तर्ज अपनी रबूबियत के लिए इख्तियार फरमाया वही तर्ज और उसलूब हुजूर की खत्म नबूवत के लिए इस्तेमाल फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तौहीद, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हुजूर की नबूवत, कुल औजु बिरब्बिन नास, अल्लाह की रबूबियत, वमा अरसलनाका इल्ला काफ्फतन लिन नास, ये हुजूर की नबूवत और खत्म नबूवत। अल्लाह ने समझा दिया जैसे कायनात का कोई जर्रा अल्लाह की रबूबियत से बाहर नहीं, आपकी नबूवत से बाहर नहीं, जैसे कायनात का कोई फर्द अल्लाह की रबूबियत से बाहर नहीं, आपकी नबूवत से बाहर नहीं, कायनात के जिस जिस जर्रे तक अल्लाह की रबूबियत होगी, कायनात के उसी जर्रे जर्रे तक आपकी नबूवत खत्म नबूवत भी होगी। तो मेरी और आपकी शक्लें अगर महफूज हैं तो हमारी शक्लों का महफूज होना दलील हुजूर अल्लाह के कलमा तैयबा को देखोगे, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, अगर अपने पैगंबर पर उतरने वाली किताब कुरान करीम को देखोगे ये दलील, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, पैगंबर की सीरत को देखोगे दलील, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी अपनी शक्लों को देखोगे दलील, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, अगर मेरे और आपके पास नबुव्वत को दिया जाने वाला कलमा महफूज है, कलमे का महफूज होना खत्म नबुव्वत की दलील, कुरान करीम महफूज है इसका महफूज होना खत्म नबुव्वत की दलील, हदीस और सुन्नत महफूज है इसका महफूज होना खत्म नबुव्वत की दलील, अगर मेरी और आपकी शक्लें महफूज हैं इनका भी महफूज होना हुजूर की खत्म नबुव्वत की दलील है। ये दलीलें हैं सारी की सारी, अल्लाह के नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो नबुव्वत के जिस सिलसिले की इब्तिदा अल्लाह ने हजरत आदम से फरमाई उसकी तकमील और इंतहा आमिना के लाल पर फरमाई, अल्लाह ने अपने नबी को आखिरी नबी बनाया। अब सवाल ये रह गया जब हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, आपके बाद कायनात में किसी नबी ने पैदा नहीं होना, आपके बाद कायनात में किसी नए नबी ने नहीं आना, उम्मत को कौन संभालेगा, उम्मत की रहनुमाई कौन करेगा, उम्मत की दीनी जरूरियत को जरूरत को पूरा कौन करेगा। अहादीस तैयबा को देखा जाए मुझे और आपको समझ आते हैं हुजूर के बाद उम्मत को कौन संभालेगा। फरमाए खुलफाए राशिदीन अबू बकर उमर उस्मान अली रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन, इनके बाद कौन संभालेगा। फरमाए सहाबे किराम इनके बाद कौन संभालेगा। फरमाए मुज्तहिदीन और फुकहा इनके बाद कौन संभालेगा। फरमाए उलमा, इसका माना ये हुजूर की खत्म नबुव्वत का मतलब ये, हम खुलफाए राशिदीन को माने, हुजूर की खत्म नबुव्वत का मतलब ये, हम सहाबा को माने, खत्म नबुव्वत का मतलब ये, मुज्तहिदीन और फुकहा को माने, खत्म नबुव्वत का मतलब ये, हम उलमा को भी माने। उलमा नबी की खत्म नबुव्वत की जरूरत है, कियामत की सुबह तक अल्लाह के नबी की नबुव्वत भी बाकी रहेगी, आपकी नबुव्वत की हिफाजत करने वाले, उम्मत की दीनी जरूरत को पूरा करने वाले उलमा भी बाकी रहेंगे। जो हुजूर को आखिरी मानेगा खुलफा को मानेगा, आखिरी मानेगा सहाबा को मानेगा, आखिरी मानेगा फुकहा को मानेगा, आखिरी मानेगा उलमा को भी मानेगा। हम किसी के कहने पर हुजूर की खत्म नबुव्वत का इनकार नहीं करते, हम किसी के कहने पर खुलफाए राशिदीन को नहीं छोड़ते, हम किसी के कहने पर सहाबे किराम को नहीं छोड़ते, हम किसी के कहने पर फुकहा को नहीं छोड़ते, तो हम किसी के कहने पर उलमाए हक को भी नहीं छोड़ सकते। ये खत्म नबुव्वत की ज़रूरतें हैं, क़ियामत की सुबह तक किसी नए नबी ने आना नहीं, किसी नए नबी को नबुव्वत का मिलना नहीं, उम्मत की ज़रूरतों को पूरा कौन करेगा। अल्लाह के नबी ने ये चार तबकात उम्मत को दिए, फरमाए मेरे बाद खुलफाए राशिदीन, उनके बाद सहाबे किराम, उनके बाद मुज्तहिदीन और फुकहा, फिर उन फुकहा की तालीमात की रोशनी में उलमाए उम्मत। ये अकीदे खत्म नबुव्वत की ज़रूरत है, ये अकीदे खत्म नबुव्वत मेरे और आपके इस्लाम की बुनियाद है। और याद रखना हुजूर की खत्म नबुव्वत का अकीदा वो है जो इंसान तो इंसान जानवर भी मानते हैं, आपकी खत्म नबुव्वत के अकीदे को जानवर भी मानते हैं। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ने अलमोजम सगीर में रिवायत नकल की, हजरत उमर फरमाते हैं हम हुजूर की मजलिस में बैठे थे,
एक देहाती अपने हाथ में एक थैला लेकर आपकी मजलिस में हाजिर हुआ, आकर हुजूर से पूछा आप कौन हैं? फरमाया मुझे अल्लाह का नबी कहते हैं, मुझे अल्लाह का रसूल और पैगंबर कहते हैं। वो देहाती और शिकारी पूछने लगा आप अल्लाह के नबी हैं? फरमाया जी हाँ, मुझे अल्लाह का नबी कहते हैं, अल्लाह का रसूल कहते हैं। हजरत उमर फरमाते हैं उसने अपना थैला खोला, अपना थैला खोला, थैला खोलने के बाद अंदर से एक गोह निकाली, गोह आपके सामने गोह को रखा, का इन आमना बिका हाजा जब्बू आमंतु बिका, ऐ मोहम्मद अगर ये गोह आपको मान ले तो मैं भी मान लूंगा, ये आपको नबी मान ले मैं भी मान लूंगा। हजरत उमर फरमाते हैं हुजूर ने गोह से बात की, गोह ने आपको जवाब दिया, फतकल्लमा जब्बू बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन यफहमुल कौम जमीया, आपने उसके साथ गुफ्तगू की, उस गोह ने ऐसा जवाब दिया तमाम सहाबा उसकी बात को सुन भी रहे थे समझ भी रहे थे। आपने फरमाया या जब ऐ गोह मेरी बात को सुनती हो? कलबैक वसादैक या रसूल रब्बिल आलमीन, हुजूर फरमाइए क्या हुक्म है, मैं आपकी बात को सुन रही हूं, क्या पूछना चाहते हैं फरमाइए। आपने पूछा कि तेरा खुदा कौन, तू इबादत किसकी करती है? उस गोह ने जवाब दिया अल्लज़ी अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्ज़ी सुल्तानुहु व फिल बहरी सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिल नारी अज़ाबुहु, मैं अपनी पेशानी उस जात के सामने झुकाती हूँ जो अर्श का भी मालिक है, जिसकी बादशाहत जमीन में भी है, जो समंदरों में रास्ते बना दे, जिस पे खुश हो जाए रहमत की सूरत में जन्नत दे दे, जिस पर नाराज हो जाए जहन्नम की सूरत में अजाब दे दे, मैं सजदा उसी को करती हूँ, इबादत उसी की करती हूँ, खालिक और मालिक उसी को मानती हूँ। आपने फरमाया मन आना ऐ गो, जरा ये बता मुझे भी जानती है मैं कौन हूँ? उस गोह ने जवाब दिया अंता रसूलुल्लाह, हुजूर आप अल्लाह के रसूल हैं। कोई कह सकता था रसूल तो और भी थे, उसने हुजूर की रिसालत का इकरार किया तो क्या कमाल किया, का अंत रसूलुल्लाह व खातिमुल अंबिया, हुजूर मैं अल्लाह को रसूल आपको अल्लाह का नबी भी मानती हूँ, आखिरी रसूल भी मानती हूँ, मैं फकत आपकी नबुव्वत नहीं खत्मे नबुव्वत भी मानती हूँ। इसका माना यह है हुजूर को आखिरी नबी फकत इंसान नहीं जानवर भी मानते हैं, खत्मे नबुव्वत का अकीदा जानवरों को भी समझ आया, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। फिर हम कह सकते हैं जो हुजूर को आखिरी न माने वो जानवरों से भी बदतर है, आपकी खत्मे नबुव्वत का इकरार न करे वो जानवरों से भी गया गुजरा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने नबी की नबुव्वत के साथ साथ खत्मे नबुव्वत के अकीदे को भी मानने की तौफीक अता फरमाए, इस अकीदे खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज़ के भी मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक ने खत्मे नबुव्वत की बरकत से उम्मत को जो नेमतें अता फरमाई, खुलफाए राशिदीन सहाबे किराम फुकहा उलमाए हक, अल्लाह मुझे और आपको इनकी कदर करने की भी तौफीक अता फरमाए, इनके साथ मुझे और आपको वाबस्तगी अता फरमा दें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।